नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में इन दिनों फिर से 1932 के आधार पर स्थानीयता तय करने की मांग जोर पकड़ रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति की वकालत कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए एक विवादित बयान दिया है। दरअसल पत्रकार ने उनसे पूछा कि एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति संभव नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आप उनके स्टैंड के खिलाफ बात कर रहे हैं। इस पर मंत्री जगन्नाथ महतो पत्रकारों पर ही भड़क गए। क्या कुछ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पत्रकारों को लेकर विवादित बयान दिए हैं, खुद सुनिए। यानी बिहार के तर्ज पर ही लागू? अरे बिहार में था, जब हम बिहार में थे उसमें 1932 था, अभी क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री का स्टैंड क्लियर क्या है? आपको क्या इतना चिंता है? अभी बिहारी है का? चिंता तो बिहारी है, तो आप हम तो कहेंगे कि जितना जल्दी है ये माइकों को लेके चल जाए उधर। अच्छा है, मतलब बिहारी होना गुनाह है क्या? नहीं, बोलना गुनाह है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान कि आप बिहार के हैं वापस चले जाइए, और बिहारियों को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो विस्मापन वो लोग करते हैं, जो लोग राज्य के बाहर काम करने जाते हैं, जो यहां के आदिवासी बच्चे हों या फिर अन्य लोग जो दूसरे राज्यों में अपनी जाकर नौकरी तलाशते हैं, रोजी रोजगार तलाशते हैं, उन लोगों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार होता है ऐसे लोगों के कारण ही होता है, क्योंकि आग लगाने के काम और उसकी शुरुआत ये लोग यहाँ से करते हैं। मैं समझता हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन चुप्पी खतरनाक है। अगर आप मौन सहमति देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिन के लिए एक खतरनाक संकेत है। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा जगन्नाथ महतो को कि जब कोविड के कारण आपकी जान आफत में बन आई थी तो हैदराबाद आप क्यों चले गए थे? अपने राज्य में इलाज करा लेते, जीते या मरते क्या फर्क पड़ता? ऐसे तो मैंने इस बयान को सुना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मंत्री जी की भावना को समझना चाहिए। शायद वो 1932 के खतियान को लेकर के कोई बयान दे रहे होंगे। इस दरमियान उन्होंने बातचीत के क्रम में अगर कुछ कहा है तो इस पर उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं करनी चाहिए। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने पहले ही कहा कि मैंने उनको बयान को सुना नहीं है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है तो इससे उसको परहेज करना चाहिए।